नमस्कार बोलते तारे, आप देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। राशिफल एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से आने वाले भविष्य के बारे में जाना जा सकता है। तो आपके रविवार यानी 29 जनवरी के तारे क्या बोलते हैं जानेंगे। उसके पहले क्या आपको पता है कि भगवान सूर्य की पूजा रविवार के दिन क्यों करनी चाहिए। दरअसल सूर्यदेव को वेदों में ईश्वर का नेत्र और ज्योतिषी में ग्रहों का राजा बताया गया है। यदि आप जीवन में अच्छी सेहत और शक्ति प्रदान करने वाले भगवान सूर्य के साधन किसी कारणवश प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो आपको रविवार के दिन उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस दिन विधि विधान से सूर्यदेव की पूजा करने से साधक को सातों दिनों की पूजा का फल मिलता है। रविवार के दिन सच्चे मन से सूर्य के साधना करने वाले पर सूर्यदेव शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों को सुख सौभाग्य एवं आरोग्य का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सूर्य की साधना करने से साधक के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। और चलिए सबसे पहले आपको बताती हूँ कि सूर्यदेव की पूजा की विधि क्या है। रविवार के दिन स्नान ध्यान के बाद सबसे पहले भगवान सूर्य को तांबे के लोटे में रोली और अक्षत डालकर ओम घृणी सूर्या नमः मंत्र का जप करते हुए अर्घ्य दे। इसके बाद लाल रंग के आसन पर बैठकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान सूर्य के इसी मंत्र का कम से कम एक माला जप अवश्य करें। और ये थी सूर्यदेव की पूजा की विधि। राशिफल की तरफ रुख करते हैं और शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज मेष राशि वाले बेहतर प्रदर्शन करेंगे और दूसरे लोग भी उनसे प्रभावित होंगे। अपने नियमित काम से हटकर कुछ करने की कोशिश करेंगे तो सफल रहेंगे। कारोबारियों के लिए दिन निराश करने वाला हो सकता है। नौकरी पेशा लोग के लिए आज का दिन आरामदायक रहेगा। पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती है, खान पान का थोड़ा ध्यान रखे नहीं तो गैस विकार हो सकते हैं। और चलिए आपको बता देती हूँ कि आज आपका कितना प्रतिशत भाग्य आपके साथ रहेगा और आपको क्या कुछ दान करना चाहिए। भाग्य आज 85% आपके साथ रहेगा, सफेद वस्तु का दान करें। और अब वृष राशि की बात करते हैं। आज आपके पारिवारिक जीवन में अस्थिरता रह सकती है। आपका अपने माता पिता के साथ कुछ वैचारिक मतभेद हो सकता है। प्रेम संबंधों के लिए समय शुभ है। प्रमोशन या उसके संबंधी बातचीत आज होगी। संतान द्वारा कोई सराहनीय कार्य होने से मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी पेशा जातक कठिन परिश्रम से अपने वरिष्ठों को संतुष्ट कर सकते हैं। भाग्य आज 95% आपका साथ देगा, माता सरस्वती की पूजा करें। और अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आज लोगों के साथ आपके संपर्क सुधरेंगे और भविष्य में आपको इसका लाभ मिलेगा। किसी भी नए उद्यम के लिए एक अच्छा समय है। आज आपको किस्मत का भी साथ मिलेगा। आप अधिकांश उपक्रमों का सफलतापूर्वक प्रबंध कर पाएंगे। आप किसी ऐसे कार्य को अंजाम दे सकते हैं जिससे आपके परिवार का नाम रोशन होगा। आज रुका हुआ धन वापस मिलेगा और धन का निवेश होगा। आज आप कुछ नए अधिग्रहण कर सकते हैं जो आपकी जीवन शैली में सुधार करेंगे। भाग्य आज 64% आपके साथ है, शिव चालीसा का पाठ करें। और अब बात करेंगे कर्क राशि की। आज आपको विभिन्न स्तरों पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आप भ्रम की स्थिति में होंगे और यह स्थिति आपको समय पर काम पूरा करने से रोक देगी। इस समय संसाधनों की कमी के कारण कुछ व्यावसायिक योजनाओं को रोकना पड़ सकता है। महत्वपूर्ण बातें आपके पार्टनर से जरूर शेयर करें। भाग्य आज 82% आपके साथ रहेंगे, गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं। और अब बात करते हैं सिंह राशि की। आज व्यावसायिक रूप से काफी समय रहेगा। आपका नाम और प्रसिद्धि व्यापक होगा। आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेंगे और आपका आत्मविश्वास भी काफी बढ़ जाएगा। आज आपके अच्छे लोग से संपर्क स्थापित होंगे जो आपको कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए सहायता एवं मार्गदर्शन करेंगे। आप अपने वरिष्ठों और सहकर्मियों का ध्यान समान रूप से आकर्षित करेंगे। भाग्य आज 92% आपके साथ देगा, सफेद वस्तु का दान करें। और चलिए अब बात करेंगे कन्या राशि की। और चलिए अब आपको बताते हैं कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज कन्या राशि वालों के लिए आर्थिक एवं व्यापारिक रूप से लाभदायक यात्राएं संभव है। आपके लिए यह सुखद अनुभव रहेगा। आत्मविश्वास और पूर्ति से परिपूर्ण आप आज अच्छा मुनाफा कमाएंगे। कामकाज के संबंध में दूर की यात्रा संभव है। धन का निवेश करने के लिए आज का दिन उत्तम है।
पॉलिसी शेयर मार्केट में आप धन इन्वेस्ट कर सकते हैं। पारिवारिक परिवेश में तनावपूर्ण स्थितियों के चलते पारिवारिक सदस्य आपकी सफलता का पूर्ण आनंद नहीं ले पाएंगे। आज भाग्य 72% आपके पक्ष में रहेगा, शिव चालीसा का पाठ करें। और अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले, आज आपके संपर्कों के कारण व्यापारिक और व्यावसायिक संदर्भ में महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। आप अपने प्रयासों में चौतरफा सफलता प्राप्त करेंगे और आपकी शक्तियां बढ़ेंगी। संतान की मदद सुख को बढ़ाएगी। ईश्वर का ध्यान करने से मानसिक शांति मिलेगी। आपके परिवार के बुजुर्ग सभी उपक्रमों में खुशी खुशी आपकी मदद करेंगे। आपका भाग्य आज 85% रहेगा, गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। हड्डियों और किडनियों से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे जातकों के लिए यह मुश्किल समय हो सकता है। वरिष्ठ नागरिकों को किसी भी प्रकार की भावनात्मक भागीदारी और लंबी यात्रा से बचना चाहिए। मांगलिक कार्य में सहभागी होने का सौभाग्य आज प्राप्त होगा, जिसके कारण आपके रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने का मौका भी मिलेगा। परिवार के सदस्यों के मध्य अशांति आपके लिए चिंता का विषय हो सकती है। भाग्य आज 80% तक साथ रहेगा, गुरुजन या वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद लें। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। आज आप मुखर होने के नाते अपने मन की बात पारिवारिक सदस्यों से कह पाएंगे। सोच योजना बंद रहने वाली है, इसलिए कामकाज में सफलता मिलेगी। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। छात्रों और श्रमिक वर्ग के लिए दिन शुभ नहीं है, किंतु आपको अपने लक्ष्य और महत्वाकांक्षाओं के प्राप्ति के प्रति गतिशील रहना चाहिए। भाग्य आज 92% आपके साथ रहेगा, हनुमान चालीसा का पाठ करें। और अब बात करेंगे धनु के बाद मकर राशि की। आज आप सभी गतिविधियों में चमकते रहेंगे और भाग्य आपका समर्थन करेगा। नौकरी पेशा जातकों के लिए कोई विशेष कार्य सफलता प्रदान कर सकता है। आप कामकाज में अपना पूर्ण सहयोग देंगे। आज मौसम की मार झेलनी पड़ सकती है। विदेशी संपर्क वाले लोगों को कुछ अचानक लाभ मिलेगा और यात्रा भी हो सकती है। भाग्य आज 89% आपका साथ देगा, माता लक्ष्मी की पूजा करें। और अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले, आज आर्थिक रूप से संपन्न रहेंगे, आपका सम्मान होगा, व्यापार का विस्तार भी हो सकता है। आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपकी मेहनत का फल मिलेगा। निजी जीवन में कुछ परेशानियां रह सकती है, बेहतर होगा आप अपने जीवन साथी की सोच को समझने का प्रयास करें। जीवन साथी के साथ आनंददायी समय बीतेगा, परिवार के सदस्यों से संबंध मधुर रहेंगे। आपका भाग्य आज 85% रहेगा, माता पिता का आशीर्वाद लें। और अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा, इस समय आप थोड़े चिंतित हो सकते हैं। आप आवश्यक जटिलताओं में फंस सकते हैं और आपको चल रही परियोजनाओं में बाधाओं का भी सामना करना पड़ सकता है। आज आपकी समस्याएं खत्म हो जाएगी और आपको हर तरह से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। तरक्की पाने के लिए आप जी तोड़ मेहनत करेंगे। वित्तीय मुद्दों को हल करने में भी कुछ समय लग सकता है। आज भाग्य 92% आपके पक्ष में रहेगा, गौ माता को हरा चारा खिलाएं। बोलते तारे में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।